काफ़ी करीब आ गए थे किशोर दा के भी। किशोर दा और रफ़ी साहब जो एक ज़माने में कॉम्पिटिटर माने जाते थे। नहीं, किशोर दा से आपकी कभी बात हुई रफ़ी साहब को लेकर, कुछ उन्होंने बताया? जी हाँ, पहले तो मुझे, मैं समझता था रफ़ी साहब के फ़ैन होने की हैसियत से कि शायद उनमें जेलसी होगी या कोई ऐसी बात होगी। तो मैं पहली बार जब उनके साथ गाने के लिए गया तो मैं ज़रा उनसे कम ही बात कर रहा था, क्योंकि मैं तो रफ़ी साहब का फ़ैन था और मुझे ऐसा लगता था पता नहीं वो इतने बड़े आदमी हैं मेरे साथ किस तरह बिहेव करेंगे। दिल में डर भी था क्योंकि आफ्टर ऑल एक वेटरन, इतने गुणी हैं, टैलेंटेड सिंगर, उनके साथ पहली बार गा रहे हैं। तो मैंने देखा कि इतने लाइट मूड में रहते हैं, वो हंसी मजाक, और पहली बार में इतना घुल मिल गए। और उनको जब पता चला मैं कलकत्ते का रहने वाला हूँ तो मुझसे बंगाली में बात करना शुरू किया, और भी फ्री हो गए। और फिर जब मैं गाना गाने लगा तो उन्होंने एक दो बार वाह वाह भी किया, क्या बात है क्या बात है, ऐसे किया। तो मेरी हिम्मत बढ़ी और मुझे अच्छा लगा, मैं थोड़ा लाइट हो गया। जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई, एक आध बार जब रिटेक हुआ तो उन्होंने मुझ मेरी तरफ़ घूम के देखा और कहा कि तू जब गा रहा था तो मैं एक चीज़ स्टडी कर रहा था कि तेरी आदतें भी रफ़ी साहब से मिलती हैं, तो तू क्या रफ़ी साहब का भक्त है? तो मैंने कहा दादा मैं तो उनका बहुत बड़ा भक्त। तो उन्होंने कहा तू क्या भक्त है, तुझसे भी बड़ा भक्त मैं हूँ, क्योंकि रफ़ी साहब सचमुच बहुत अच्छा गाते थे और बड़े अच्छे इंसान थे और मुझसे बहुत सारी बातें करते थे इधर उधर की, अपनी परेशानियाँ भी कभी कभी बोलते थे। तो बड़े अच्छे इंसान थे वो, फरिश्ता सिफत ये वर्ड था उनका। तो मैं इतना इमोशनल हो गया और मैं किशोर दा का और भी बड़ा फैन हो गया। आपको बताऊँ मेरे